हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा जेंट्स स्मूथनिंग का। तो आज हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि जेंट्स स्मूथनिंग कैसे करनी है, और लास्ट तक देखना आप वीडियो। सबसे पहले क्लाइंट के बाल आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं, उनकी पोरोसिटी डेंसिटी कैसी है, बाल ज़्यादा डैमेज तो नहीं है, कोई कलर ट्रीटेड तो नहीं है। तो उसके बाद आपने क्लाइंट का वॉश करना है अच्छे से, डस्ट वगैरह अच्छे से रिमूव करनी है, ऑयल वगैरह अच्छे से रिमूव करना है, और आपको 2 बार शैम्पू करना है अच्छे से, इमल्सीफाई करके बालों को शैम्पू करना है। शैम्पू हमारा क्लेरिफाई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं हम, तो अच्छे से शैम्पू कर लेना है। शैम्पू तब तक करना है जब तक अच्छे से फोम नहीं बन जाती। फोम बनेगी तो पता चलेगा कि यहाँ अच्छे से डस्ट वगैरह रिमूव हो गई है, क्योंकि अगर आप शैम्पू अच्छे से करोगे तो हमारा ट्रीटमेंट भी अच्छे से होगा, इसलिए पहले शैम्पू अच्छे से कर लेना चाहिए। तो देखिए हम कैसे शैम्पू करते हैं, अच्छे से फिंगर टिप से करना है अपने शैम्पू, अच्छे से रिंस कर देना है बालों में शैम्पू, और ओनली शैम्पू करना है आपने। मास्क वगैरह यूज़ नहीं करना, कंडीशनर वगैरह यूज़ नहीं करना, क्योंकि शैम्पू में अमोनिया होता है जो हमारी क्यूटिकल लेयर को ओपन करता है। जो भी हम प्रोडक्ट पेनिट्रेट करते हैं वो सेकंड लेयर कोर्टेक्स लेयर में करते हैं, क्योंकि कोर्टेक्स लेयर थोड़ी थिक होती है, इसलिए जो भी केमिकल होगा वो कोर्टेक्स लेयर पे होगा। तो उसके बाद हम बाल ड्राई करेंगे। बाल को हमने जस्ट स्मूथनिंग में 60% ड्राई करना है और 40% वेट रखना है, ताकि जो हमारे बाल ज़्यादा डैमेज ना हो। तो उसके बाद आज हम लॉरियल की स्मूथनिंग करेंगे। लॉरियल में भी 2 आती हैं, तो आपको करनी है वर्जन हेयर की अलग है रेजिस्टेंस, और आपके जिसके केमिकल ट्रीटेड हेयर है उसके करनी है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। तो अच्छे से हम सेक्शन वाइज सेक्शन स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करेंगे, एक एक बाल में स्मूथनिंग क्रीम हमारी जानी चाहिए। तो अच्छे से इमल्सीफाई करना है स्मूथनिंग क्रीम को, सेक्शन बाय सेक्शन हर बाल में स्मूथनिंग क्रीम हमारी जानी चाहिए, तभी अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। अच्छे से बॉन्ड लूज तभी होंगे, नहीं तो आपके बॉन्ड लूज नहीं होंगे, नहीं तो आपके कहीं से बॉन्ड लूज होंगे और कहीं से बॉन्ड लूज नहीं होंगे। और इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, जो भी ट्रीटमेंट करना है आपको आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे तो क्लाइंट के बालों में दोबारा बेफ आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आराम से करो, थोड़ा टाइम लेके। तो देखो मैं कैसे धीरे धीरे सेक्शन वाइज सेक्शन, एक एक सेक्शन लेके, थोड़े थोड़े सेक्शन लेके उस पर क्रीम अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि जो क्लाइंट के एक एक हेयर के अंदर वो क्रीम पेनिट्रेट हो सके और अच्छे से रिजल्ट आ सके और जल्दी रिजल्ट आ सके। इसलिए आपको टाइम टू टाइम बॉन्ड भी चेक करते रहना है क्लाइंट के, क्योंकि समटाइम्स किसी के बाल कैसे रहते हैं, केमिकल ट्रीटेड रहते हैं, डैमेज रहते हैं, तो किसी के बालों पे जल्दी रिजल्ट आ जाता है, किसी के बालों पे लेट रिजल्ट आ जाता है। तो आपको टाइम टू टाइम बॉन्ड ब्रेक चेक करते रहना चाहिए। तो उसके बाद मैं क्रीम ही अभी अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो आप क्रीम कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, आपको इसमें अच्छे से नॉलेज मिलेगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना अगर आपको अच्छे से स्मूथनिंग करना सीखना है तो, क्योंकि आजकल मोस्टली ट्रेंडिंग में है ये, स्मूथनिंग हो गया, कैराटिन हो गया, कैरा स्मूथनिंग हो गया, ये सब ट्रीटमेंट आजकल ट्रेंडिंग में चलते हैं, हर कोई करवाने लगा है, जेंट्स हो लेडीज़ हो सब करवाते हैं। और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस ट्रीटमेंट की चाहिए, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो, किस ट्रीटमेंट की चाहिए आपको, हेयर कट की चाहिए, स्मूथनिंग की चाहिए, कैराटिन की चाहिए, जिसकी भी आपको वीडियो चाहिए होगी हम ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए। तो अभी हमारी क्रीम पूरी अप्लाई हो चुकी है बालों के ऊपर, और इसके बाद हम बॉन्ड चेक करेंगे। तो हम एक बाल लेंगे, उसमें से अच्छे से मैंने कॉम कर दिया, बालों के अंदर क्रीम हमारी अच्छे से पेनिट्रेट हो गई है, बालों के अंदर एक एक बालों के अंदर हो गई है। अगर सेक्शन वाइज सेक्शन करोगे तो ही क्रीम अपनी अच्छे से पेनिट्रेट होगी। अभी मैं कॉम कर रहा हूँ ताकि जो पेनिट्रेट हो सके अच्छे से। और उसके बाद हम एक बाल लेंगे, उसको खींच के देखेंगे, अगर बाल टूट जाता है तो इसका मतलब रिजल्ट नहीं आया, अगर बाल लूज़ होता है
एट की शक्ल में होता है बाल, जब स्प्रिंग बन जाते हैं बाल के तो समझ लीजिएगा कि रिजल्ट आ गया हमारा। तो बॉन्ड अच्छे से हर जगह पे चेक करना है, सब डायरेक्शन में चेक करना है, और उसके बाद हम ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करेंगे, अच्छे से इमल्सीफाई करना है, क्रीम को अच्छे से रिंस आउट करना है। अगर अच्छे से रिंस आउट करोगे तो ही अपना रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है बालों के अंदर, अच्छे से इमल्सीफाई करके ही प्रोडक्ट को रिंस आउट करना है। तो देखिए मैं कैसे अच्छे से रिंस आउट कर रहा हूँ। इमल्सीफाई करते रहना जब तक प्रोडक्ट, इमल्सीफाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छे से निकला गया, और ल्यूक वार्म वाटर से करोगे तो प्रोडक्ट आपका इजीली रिमूव हो जाएगा आपके बालों के अंदर से। तो जब तक आपका प्रोडक्ट रिमूव नहीं होता तब तक आपको इमल्सीफाई करके वाटर टच ले लेना है थोड़ा थोड़ा, तो निकालते जाना है प्रोडक्ट को। जब आप वॉश करोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि बॉन्ड अच्छे से ब्रेक हो गए हैं। ल्यूक वार्म वाटर से हम इसलिए वॉश करते हैं ताजो थोड़े बहुत जो बॉन्ड हमारे ब्रेक नहीं हुए होते तो वो ल्यूक वार्म वाटर से ब्रेक हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी वॉश करो तो ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करो, स्मूथनिंग का फर्स्ट वॉश। तो अभी देखिए बाल हमारे किस शेप में आ गया, बाल हमारे बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, स्ट्रेट लुक में। आप तो उसके बाद आपको ड्रायर करनी है, सबसे पहले आपको कूल ड्रायर करनी है, डायरेक्ट आपको हीट नहीं देनी है, क्योंकि डायरेक्ट आप हीट देते हो तो क्लाइंट के बाल डैमेज होने के चांस रहते हैं, इसलिए पहले कूल ड्रायर करो। उसके बाद आपको मीडियम ड्रायर करनी है, सबसे पहले मैं कूल ड्रायर कर रहा हूँ, और कोशिश करना स्कैल्प के ऊपर ड्रायर को थोड़ा ना मूव करते रहो ताजो क्लाइंट को एक ही जगह पे हीट ना लगे। तो अभी मैं अच्छे से कूल ड्रायर करना हूँ, और आपको अच्छे से 100% हेयर ड्राई करने हैं, और उसके बाद हम प्रेसिंग करेंगे बालों के ऊपर सेक्शन बाय सेक्शन। हमने 100% ड्राई कर लिया है बालों को, तो अभी हम छोटे छोटे फाइन फाइन सेक्शन लेके अच्छे से प्रेसिंग कर रहे हैं बालों के ऊपर। प्रेसिंग आपकी इसमें बहुत मेन है, अगर आप प्रेसिंग अच्छे से करते हो तभी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अगर गुड रिजल्ट चाहते हो कि आपको ऑसम रिजल्ट चाहिए बालों के ऊपर तो प्रेसिंग अच्छे से करो पहले। और प्रेसिंग आप 90 डिग्री में करेंगे, और टेम्परेचर आपको बालों के अकॉर्डिंग ही रखना है, जैसे बाल होंगे वैसा टेम्परेचर रखना है। मोस्टली हम 210 ही रखेंगे, 230 नहीं रखेंगे, 230 में आपके बाल बहुत डैमेज होते हैं। तो अब भी हम न्यूट्रीलाइज़र यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा सीरम मिक्स कर रहे हैं न्यूट्रीलाइज़र में, ताकि जो बालों के ऊपर शाइन भी आए, क्योंकि ये न्यूट्रीलाइज़र ना बहुत हीट प्रोडक्ट करता है। तो उसके बाद हम सेक्शन बाय सेक्शन न्यूट्रीलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं। न्यूट्रीलाइज़र के हम 10 मिनट ही रखेंगे बालों के अकॉर्डिंग, अगर बाल ज़्यादा ड्राई हैं तो 10 मिनट भी नहीं रखेंगे, उसमें थोड़ा हेयर स्पा मिक्स कर लेंगे अगर बाल ज़्यादा ड्राई हैं, और सीरम मिक्स कर लेंगे। तो न्यूट्रीलाइज़र हम अप्लाई कर रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से। इस न्यूट्रीलाइज़र भी स्मूथनिंग क्रीम की तरह आपके बालों के एक एक बालों में अच्छे से पेनिट्रेट होना चाहिए। इसको हम रिलैक्सर भी बोलते हैं, फिक्सर भी बोलते हैं, जो हमारे बालों को स्ट्रेट लुक में फिक्स करता है। तो अभी हमारा न्यूट्रीलाइज़र अप्लाई हो रहा है, इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है बालों के अकॉर्डिंग, अगर बाल ज़्यादा थिक रहेंगे तो इसको ज़्यादा 15 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्लाइंट के बाल ज़्यादा थिक नहीं है इसलिए हम इसको 10 मिनट ही रखेंगे। और इसमें सीरम भी मिक्स किया है हमने थोड़ा, ताकि बाल ड्राइनेस में ना जाए। तो देखिए मैं कैसे न्यूट्रीलाइज़र अप्लाई कर रहा हूँ। और क्लाइंट को बोलना है कि अपनी नेक बिल्कुल भी मूव मत करना, नहीं तो आपके बालों में वहीं पे बैंड पड़ जाएगा। क्लाइंट को अपनी नेक एक ही जगह पे रखनी है। तो उसके बाद हम 10 मिनट के बाद उनका क्लाइंट का वॉश कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही इमल्सीफाई करके ही करना है वॉश आपको, ताकि जो प्रोडक्ट सारा रिंस आउट हो जाए, न्यूट्रीलाइज़र हम सारा बालों से निकल जाए। अच्छे से इमल्सीफाई करिए इसको,
जब तक प्रोडक्ट नहीं निकल जाता तब तक इमल्सिफाई करना है इसको। तो अभी हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट लुक में आ गए हैं, वहीं पे फिक्स हो गए हैं, अभी ये स्ट्रेट लुक में ही रहेंगे। जब तक हमारी न्यू ग्रोथ नहीं आती, हम कट नहीं करते, तो ये परमानेंट स्मूथनिंग रहती है तब तक। और उसके बाद हम लॉरियल का एक्सटेंसो केयर यूज़ कर रहे हैं, हेयर मास्क, इसको हमारे बालों में अच्छे से इमल्सीफाई करना है और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है आपको। मिनिमम 5 मिनट के लिए तो छोड़ना ही छोड़ना है, ताजो हमारे बाल अच्छे से स्मूथ हो सकें। तो हम इसको 5 मिनट ही छोड़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ेंगे। तो 5 मिनट छोड़ने के बाद आपको ये अच्छे से इमल्सीफाई करने के बाद हेयर मास्क को 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, साथ में वाटर का टच लेते रहना है। और उसके बाद हमने वॉश किया है, उसके बाद आइए आप रिज़ल्ट देख सकते हो स्मूथनिंग का। तो आप ऐसे ही अच्छे रिज़ल्ट लेना चाहते हो तो हमारे हमको सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और देखते रहिए न्यू न्यू वीडियोस। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताजो आपको हर वीडियो समय से मिलती रहे। तो ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट है हमारा स्मूथनिंग का, बाल बिल्कुल स्ट्रेट लुक में आ गए हैं, शाइन भी कर रहे हैं। थैंक यू।